नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवन है और आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज का लेसन एक गिटार प्रैक्टिस लेसन है। हम एक पॉपुलर स्ट्रमिंग पैटर्न को लेंगे और मैं आपको पहले दिखाऊंगा कि वो पैटर्न किन किन गानों में यूज़ किया गया है और उसके बाद हम उस पैटर्न को धीरे धीरे साथ में बजाने की कोशिश करेंगे ताकि आप अपने स्ट्रमिंग की टाइमिंग को इम्प्रूव कर सकें। मैंने इस सीरीज़ में और भी कुछ लेसन पोस्ट किए हैं, आप उन्हें ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। और लेसन के एंड में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जिससे आप अपनी स्ट्रमिंग इम्प्रूव कर सकें। तो आइए पहले आज जो हम पैटर्न बजाने वाले हैं वो देखते हैं किन किन गानों में यूज़ किया गया है। मैं आपको अपने ही कुछ लेसन के क्लिप्स दिखाऊंगा और आपको पूरे लेसन देखने हो तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको उनके लिंक्स मिल जाएंगे। तो आइए पहले उन लेसन के क्लिप्स को देखते हैं। तो अभी आपने जो पैटर्न देखा, आइए चलिए साथ में बजाते हैं।
उम्मीद करता हूँ आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करने में मजा आया। जाने के पहले मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूंगा जिससे आप अपनी स्ट्रमिंग में इम्प्रूवमेंट ला सके। सबसे पहला टिप जो आपकी टाइमिंग को इम्प्रूव करेगा, आप कोशिश करें कि आप ट्रैक के साथ बजाएं, किसी भी गाने को ले लें और उसके साथ बजाने की कोशिश करें। अगर आप ट्रैक के साथ न बजा पाएं, आपको बहुत फास्ट लग रहा हो, तो आप मेट्रोनोम ऐप को डाउनलोड कर लें या आपके पास कोई कीबोर्ड हो तो उसमें कोई बीट हो तो उसको ऑन कर लें और जिस टेम्पो में भी आप बजाना चाहें आप बीट के साथ बजाएं। आप जितना बीट के साथ बजाइएगा उतनी आपकी टाइमिंग इम्प्रूव होगी। दूसरा टिप, आप बजाते वक्त हमेशा डाउन अप बजाएं। कोई भी पैटर्न हो कोशिश करें आपके जो हाथ है हमेशा डाउन अप चलते रहने चाहिए। कुछ पैटर्न ऐसे ज़रूर होते हैं जिनमें आप दूसरे तरीके से बजा सकते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज अगर आप कोशिश करें कि डाउन अप हमेशा आप बजाएं तो आपकी स्ट्रमिंग में बहुत इम्प्रूवमेंट होगा। आपने मेरे लेसन में देखा होगा मैं हमेशा डाउन अप बजाते रहता हूं और जहां पर गैप होता है, जहां पर कोई स्ट्रोक नहीं है, वहां मेरे हाथ फिर भी डाउन अप चलते रहते हैं। ऐसा अगर आप करेंगे तो आपकी टाइमिंग में बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा। तीसरी बात, आप चाहे जो भी कॉर्ड बजा रहे हों आप कोशिश करें कि आपके गिटार के जो स्ट्रिंग्स हैं उन सब की आवाज़ एकदम क्लियर निकले, उनकी वॉल्यूम लेवल बराबर हो। तो अगर आप कोई कॉर्ड बजा रहे हैं जिसमें आपको सारे स्ट्रिंग्स यूज़ करने हो तो आप बजाते वक्त जो है एक एक करके सभी स्ट्रिंग्स को बजा कर देखें और चेक करें उनकी आवाज़ एकदम क्लियर निकल रही है कि नहीं और उनका वॉल्यूम लेवल भी बराबर है कि नहीं। इससे आपके स्ट्रमिंग की जो क्वालिटी है, जो आपकी साउंड की क्वालिटी है, उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। चौथी बात, बजाने से पहले हमेशा गिटार की ट्यूनिंग चेक करें। इससे आपके टाइमिंग में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन आपको बजाने में मज़ा भी आएगा और लोगों को सुनने में भी अच्छा लगेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि आप परफॉर्म कर रहे हों, लोगों के सामने, दोस्तों के सामने बजा रहे हों, आपकी अगर ट्यूनिंग सही नहीं होगी तो सुनने वाले को अच्छा नहीं लगेगा, चाहे टाइमिंग कितनी भी अच्छी हो। इससे जो है आपके परफॉर्मेंस पे असर पड़ेगा। तो आप खुद भी जब प्रैक्टिस करें तो कोशिश करें ट्यूनिंग पक्का रखें ताकि वो आपकी एक आदत सी बन जाए और हर गाने को बजाने के पहले ट्यूनिंग को चेक करें कि भाई आपका ट्यूनिंग सही है कि नहीं। तो अभी तक जो मैंने टिप्स दिए वो तो आपने पहले के लेसन्स में भी देखे हैं। जाने के पहले आज मैं आपको और एक टिप दूंगा। बहुत लोग जो है बार कॉर्ड्स नहीं बजाते हैं, वो ये सोचते हैं कि भाई बार कॉर्ड जो है डिफ़िकल्ट है, चलो ओपन कॉर्ड से ही काम चला लेते हैं। और मैं अपने लेसन्स में हमेशा कोशिश करता हूँ कि स्क्रीन पर बार कॉर्ड्स के अलावा ओपन कॉर्ड्स भी दिखाऊँ, लेकिन आप बार कॉर्ड्स अगर सीखेंगे तो आपके स्ट्रमिंग में बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा। बार कॉर्ड्स बजाने से आपको दो फायदे होंगे, एक तो फ्लेक्सिबिलिटी, आप चाहे तो किसी भी की में, किसी भी स्केल में गाने को बजा सकेंगे, ओपन कॉर्ड्स में वो आपको लिमिटेशन हमेशा रहेगा। और दूसरी बात यह है आपको जो है फ्रेटबोर्ड पर ज़्यादा कंट्रोल मिलेगा। तरह तरह के इफ़ेक्ट्स होते हैं, म्यूटिंग इफ़ेक्ट्स होते हैं और भी कई इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि मैंने अपने लेसन्स में दिखाए हैं, वो आप ओपन कॉर्ड्स में नहीं दे पाएंगे या उतनी अच्छी तरह से नहीं दे पाएंगे। तो आप बार कॉर्ड ज़रूर सीखने की कोशिश करें, आपको YouTube पे बार कॉर्ड्स इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे लेसन्स मिल जाएंगे। मैं भी कोशिश करूँगा कि इस पर एक दिन कुछ लेसन्स पोस्ट करूँ। तो आज के लिए यहीं रुकते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको लेसन पसंद आया। हमेशा की तरह अपने कमेंट्स और फीडबैक मुझे भेजें, मैं जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो अगले लेसन तक फिर मिलते हैं, शुक्रिया।